नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मैं हूं नेहा शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान दिया है, कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन्हें डिफेंसिव मोड में काम नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र होकर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ काम करना चाहिए। और इसी दिन गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी किया गया। तो क्या ये जो दो घटनाएं हैं वो किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 8 सालों में केंद्र में मोदी सरकार के काम करने का जो तरीका कार्यशैली रही है वो अब तक उसके नतीजे क्या निकले हैं, इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिकेश सिंह जी। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरिकेश जी चर्चा द ट्रुथ में। और आज हम ये सच जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से एक स्टेटमेंट दिया है और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें कहा है कि आप डिफेंसिव मोड में काम ना करें, स्वतंत्र होकर काम करें। जो भ्रष्टाचारी है, जो अंकुश आपको लगाना है उस पर खुल कर आप अंकुश लगाइए। तो ये डिफेंसिव मोड वाला जो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो किस लिए आपको लगता है कि ये किया गया होगा? देखिए, बातचीत में ये बड़ा अच्छे जेस्चर में देखा जाता है कि जब कोई प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जिस ओहदे पर है, जिस लेवल पर है, जब वो ये बात कह रहा होता है तो ये ऐसा महसूस होता है आदमी को कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री हैं देश के और कोई संदेश दे रहे हैं तो संदेश बहुत दूर तक जाता है, बहुत स्पष्ट माना जाता है कि भाई प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। इसके पीछे के कारण भी तलाशे जाते हैं कि उन्होंने जब ये बात कही है तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, जीरो टॉलरेंस है। हाँ। ये लाइन भी उसमें आ जाती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले, बल्कि 9वां साल अब चलने जा रहा है मैं ये कहूंगा, क्योंकि 2024 अब 1.5 साल बाद ही इलेक्शन होने की स्थिति में हम आने वाले हैं 2024 को जी। और चूंकि 2014 में भी जिन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री आए थे पहली बार, उसमें भी ये बातें बहुत स्पष्ट थी कि उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त कराना है देश को, देश का विकास करना है, देश को आगे लेके जाना है और वैश्विक स्तर पर इसको बड़ा औरा देना है भारत को। ये तमाम ऐसी बातें थी जो इनके दिमाग में, जहन में चलती थी और ये बोलते थे स्टेटमेंट बड़ा भावप्रद होकर के, जिसे कहते हैं ना कि खूब चेहरा भाव बना करके और बड़ा स्पष्ट वक्ता के तौर पे, बड़े बढ़िया ऑरेटर के तौर पे उभर कर आए थे। और जब ये बोलते थे उस वक्त तो लगता था कि भाई देश में बहुत भयंकर बदलाव आने वाला है, एक दमदार नेता, जबरदस्त बदलाव आने वाला है। ये मैं 2014 की बात की बात कर रहा हूँ। और लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। हम सब जानते हैं कि कैसी विन-विन सिचुएशन हुई थी और कैसी मेजोरिटी आई थी 5 सालों में। 2014 से लेकर 19 तक के अगर सीन को याद करें तो ऐसा महसूस होता था कि ये बहुत तगड़े तगड़े स्टेप ले रहे हैं, बहुत धाकड़ स्टेप ले रहे हैं और किसी भी स्टेप को लेने में या कोई भी कदम उठाने में ये पीछे नहीं हटते हैं, तुरंत लेते हैं और पूरा देश हिल जाता है। सबसे पहला स्टेप अगर याद हो तो नोटबंदी का, बहुत भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ा, हाँ बहुत बड़ा अटैक था, एक्शन बहुत बड़ा अटैक था कि नोटबंदी कर दूंगा तो जितना काला धन है वो देश में वापस आ जाएगा। भारत की इकॉनमी 17 लाख करोड़ रुपए की चल रही थी। 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी को काले धन के नाम पर जैसे ही नोट तब्दील किया गया तो उन नोटों की तब्दीली का नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के, पूरा देश भर में लोग लाइनों में लगते नजर आए, पुराने बंडल के नोट, कई लोग रोते गाते, कई तरीके लोग नजर आए। उसके तमाम कारण थे जिसमें गरीब तबके के लोग थे जिनके बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे, जिनके पैसे नहीं जमा होते थे, वो अपना घर में ही रखते थे, कोठरी में पैसे रखे हुए हैं। हाँ। उन पैसों का नुकसान बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या, अंत में वो सारा का सारा पैसा बैंकों में वापस आया और सबने ये कहा कि सारा का सारा पैसा, बैंक्स ने कहा, खुद कहा कि ये सारा पैसा वापस आ चुका है। इसका मतलब काला धन गया कहां? तो क्या भ्रष्टाचार था ही नहीं? नहीं, भ्रष्टाचार था नहीं ये वाली बात नहीं कह रहा हूं, बात ये कह रहा हूं जिस आधार पर नोटबंदी की गई थी वो आधार निदारक था, वो आधार गायब था। कहना ये था इन्हें कि भाई 17 लाख करोड़ में वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे जिनके काले धन है, वो जमा नहीं कर पाएंगे और वो पकड़ में आ जाएंगे लोग। इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 5-7 लाख करोड़ रुपए का कहीं जखीरा हम लोगों को मिलेगा और ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग एकदम ओपन हो जाएंगे। इन स्टेटमेंट्स के पीछे एक लाइन हमेशा देखी जा रही थी, जब ये कहते थे ना कि मैं, मुझे क्या है, मैं तो फकीर हूँ, मेरी फकीरी है और मैं चल दूंगा झूला उठा करके,
मुझे देश को सुधारना है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके पीछे एक लाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कबीर की एक दोहाली है, दोहावली कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाड़ा हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। मतलब इतना बेलाग आदमी कि जिसको अपना घर जलाना हो वो आए मेरे साथ इस आंदोलन में। घर जलाने का मतलब ये कहा जाता है कि भाई वो आदमी जो बिस्कुट बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं है, घर खत्म होता हो जाए, सब कुछ होना हो जाए, मैं तो भाई अपने राष्ट्र निर्माण में चलूंगा और इस खतरनाक तरीके से काम करूंगा। ये वो बार बार आज भी ये जेस्चर वो दिखाते हैं और यही स्टेटमेंट बता रहा है कि वो बार बार यही बात कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, पर क्या हैं वास्तव में आप हैं? जिन कदमों के आपने कदमों को उठाया आपने, उनका वास्तव में कुछ निराकरण, सही मायने में कोई रिजल्ट आया? जब उस रिजल्ट पे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि चार पांच चीजों का आप सीधे नाम ले लीजिए। इकोनॉमी हालत, डॉलर 83 रुपया, महंगाई की हालत, 100-100 रुपये पेट्रोल छूने लगे, जाने कहां कहां गैस के दाम चले गए, 1000 से ऊपर निकलते चले गए, जिन पर आप ताल ठोक कर कहते थे कि मैं पेट्रोल 30 रुपये दूंगा, मैं गैस जो है 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में ले आ दूंगा। मतलब आप ऐसी लिमिट पे ले आते थे कि लोगों को लगता था कि भाई बहुत भयंकर चेंज आने वाला है। ठीक है, दुर्भाग्य का हिस्सा था कोरोना, मैं मानता हूं, या सब लोग भी मानेंगे कि कोरोना एक पीरियड ऐसा था जो देश के लिए बड़ा नुकसानदेह रहा, वो सब माना जाता है, लेकिन तब भी कुछ तो ऐसा अमूलचूल परिवर्तन, कुछ तो ऐसा करना था जिससे वो चीजें रुकती, कुछ स्टेबिलिटी आती, कुछ स्थिरता आती कम से कम। और इकोनॉमी का क्रंच कब नहीं आया जी? क्या 2008-09 में नहीं आया? आपको याद होगा तेलगी घोटाला, आपको याद होगा हर्षद मेहता घोटाला, कब नहीं पैसे के नुकसान हुए देश में, लेकिन फिर उनसे देश उभरा, उभर करके आया। आप चिल्लाते थे इस बात को लेकर के कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं है। अब आप तेल पकौड़े और ये तमाम क्या क्या रास्ते में बिकवाते रहे, आप चाय वाली दुकानों को और तेल की दुकानों पर, अरे पकौड़े की दुकानों को आपने ये शो कर दिया कि वो भी रोजगार का एक संसाधन है, जबकि हम सब जानते हैं कि जब कोई किसी के पास कुछ करने को नहीं होता है तब कहीं जाकर के चाय और पकौड़े की दुकान खोल करके आदमी मजबूरी में खाना, भाई खाना तो है ना, पेट तो भरना, रोजी रोटी कमानी है, तो उसके लिए उतरता है आदमी। तो बहुत सारे ऐसे, तो ये जो स्टेटमेंट आया है कि भ्रष्टाचार एक बुराई है, दूर करना चाहिए, मैं उस स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ जी। इस स्टेटमेंट के पीछे सीधा सीधा अभी करंट इशू है, केजरीवाल गुजरात में, हाँ बिल्कुल गुजरात में लड़ने जा रहे हैं और तगड़ा लड़ने जा रहे हैं, ये बार बार कहीं से इंडिकेशंस आ रहे हैं, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि काफी डेंजरस तरीके से लड़ने जा रहे हैं। रीजन क्या है? दिल्ली जब जीते तो 67 सीटों को उड़ा ले गए केजरीवाल, जब पंजाब जीते तो 92 सीटें उठा ले गए 117 में, अब 182 सीटों में कितनी सीटें ले जाएंगे इसकी रिपोर्ट आ रही है कि 100 से ऊपर चली जाएगी। आपने ये जो बात कही कि दिल्ली, पंजाब और अब गुजरात, आम आदमी पार्टी को आप इतना प्रभावशाली मान रहे हैं कि सीधे सीधे जो अरविंद केजरीवाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का कारण बन रहे हैं, ये और चिंता ये भ्रष्टाचार का जो स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वो खासकर उनके लिए आया है? नहीं, नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय केवल केजरीवाल को मैं नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय जब जब आएगा तब तब आप देखेंगे किस स्टेट में चुनाव हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा होता है तो वहां भ्रष्टाचार दिख रहा होता है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा होता है तो वहां भ्रष्टाचार दिख रहा होता है। नोटबंदी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का अहम चुनाव था और उसी समय नोटबंदी हुई थी। रीजन क्या था? क्योंकि मायावती और अखिलेश, मैं ये नहीं कह रहा ईमानदार हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास पैसा था, लिक्विड मनी थी जिससे वो इलेक्शन लड़ने वाले थे। हम सब जानते हैं कि 2500-2500 करोड़ रुपए लगते हैं एक एक विधानसभा के चुनाव में जी। ये पैसे आते कहां से हैं? बिना भ्रष्टाचार के तो आते नहीं है। अभी उत्तराखंड में एक कॉन्क्लेव था, उसमें मैं बात कर रहा था और बातचीत हो रही थी, वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि एक एक विधायक जब लड़ता है तो 25-25 करोड़ खर्च करता है, तो वो 25 करोड़ खर्च कहां से कर रहा है? अगर वो खर्च कर रहा है तो जब वो बनेगा तो कमाएगा भी, अपना पैसा वापस आएगा ना उसका। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो राजनीति में, राजनीति में है, इंटरनल है, और आप चिन्हित तरीके से आक्रमण करते हैं, आप ममता बनर्जी पे आक्रमण करते हैं, आप अखिलेश पे आक्रमण करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं तो अखिलेश यादव के तमाम लोगों पर ईडी ने छापेमारी की, आप फ्री छोड़िए लेकिन दिशा दे के नहीं छोड़ा जाता, सेलेक्टिव मत, हाँ ये तो पालतू बन गया ना। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं हरिकेश जी, चर्चा में जो बातचीत है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन लौटते हैं।
रिकी बात फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों को डिफेंसिव मोड पर काम ना करने की बात कही है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश सिंह जी। हरिकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले सेलेक्टिव होने की बात आप कर रहे थे कि क्या एजेंसियां सेलेक्टिव हो रही हैं, अगर सेलेक्टिव हो रही हैं तो क्या ये किसी सियासी साजिश का हिस्सा हो सकता है? नहीं नहीं, साजिश का हिस्सा तो नहीं, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा जरूर है। साजिश तो नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि ईडी छापेमारी कर रही तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, सिसोदिया का नहीं मिला, मनीष सिसोदिया का नहीं मिला पैसा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि साजिश का हिस्सा से ज्यादा ये राजनीतिक रणनीति है और नरेंद्र मोदी की रणनीति है। तीन चार चीजों पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एज अ काम करते हैं। पहला काम वो करते हैं कि धर्म, धार्मिक उन्माद, उससे संभला तो फिर जातीय उन्माद, जातीय बंटवारा चिन्हित करके, पसमांदा आपके पास एकदम सामने है। जातीय विषयगत नहीं है, लेकिन अगर क्लास डिफाइन कर रहे हैं आप, वर्ग विभेद कर रहे हैं आप, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज टूट रहा है, तो निश्चित तौर पर यह तो मानिए कि आप दो काम तो जरूर कर रहे हैं। आप धर्म के भीरू बना रहे हैं लोगों को, दूसरा आप तोड़ रहे हैं लोगों को। और देश का हमारा ऐसा पूरा बनावट है कि हमारे एक जाति धर्म के लोग तो है नहीं। पूरे देश में अगर 3,000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण जाइए और पूर्व से पश्चिम जाइए 3,000 किलोमीटर, तो हमारे कितने हिस्से हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो विभिन्न जातियों विभिन्न समाजों में आते हैं। पूरे देश में हमेशा से कहा जाता है ना कि हमारे डाइवर्सिटी है यूनिटी में, राइट? कितनी डाइवर्सिटी है। तो अब अगर डाइवर्सिटी को आप लगातार चिन्हित कर करके कुछ करेंगे तो दिक्कतें पैदा होती है। सेम ये नरेंद्र मोदी के स्टाइल में है। धर्म आ गया, फिर आपके पास पैसा आ गया, लालच आ गया, वो दिखाना है, फिर उसके बाद आप डराना है। तीसरा काम इनका डराने का है, आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये डराने वाला काम चलता है इनका। दूसरी बात, जांच बिठा दी जाएगी, समन भेज दिया जाएगा। अभी हेमंत सोरेन के पास समन भेजा गया, हेमंत सोरेन एकदम खारिज कर दिया साफ साफ कि अगर आपको गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, मुझे उनके ऊपर उसका प्रॉफिट ऑफिस का भी एक स्टेटमेंट आया था कि भाई ये दो दो ऐसे पद उठा रखे हैं हेमंत सोरेन ने जो लाभ का पद है। अब लाभ के पद के आधार पर उनका सीएम का पद जाने वाला था, अभी तक वो गया नहीं है, लेकिन हाँ वो लगातार उस पर निगाह बनी हुई है कि इनको किसी तरह से रिप्लेस किया जाए। भूपेश बघेल गए हुए थे मिलने, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, ये गए हुए थे मिलने और यहाँ पर इनके पास समन है और इन्होंने सीधी सभा में सोरेन ने ये बात ताल ठोक के कही कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे करना है तो सीधा गिरफ्तार करो, और आरोप है सच में तुम्हारे पास, कोई आरोप है तो आके गिरफ्तार करो। ठीक है, सोरेन ने उसमें कार्ड भी खेल दिया कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों को ये चीफ मिनिस्टर बनता देखना नहीं चाहते, जबकि आदिवासी प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति बनाई गई। बहुत सारी गणित है, सीधी सीधी सी गणित है, कौन कहाँ कैसे बिठाया गया, कौन कहाँ किस तरह से जमाया गया, इसके पीछे भी जातीय राजनीति है। धनखड़ जी को ला करके उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ कि इन सबको लाने के पीछे रणनीति होती है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी आज से नहीं, 2014 से लगातार कर रहे हैं, और ये बात भीतर खाने भी थी। 2010 से इनकी प्लानिंग थी, 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इनके दिमाग में चलता था, वहीं से मीडिया कंट्रोल करना शुरू किए थे। और हम सब जानते हैं कि मीडिया कंट्रोल का क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, वो देश देख रहा है जी। बहुत स्पष्ट है कि मीडिया कंट्रोल का एक फायदा जरूर हो सकता है कि उनके लिए लाभकारी हो, लेकिन नुकसान ये है कि देश के सामने सच नहीं आ पाता। जिस ट्रुथ पे हम बात कर रहे हैं वो ट्रुथ देश के सामने नहीं आ पाता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। केजरीवाल की बात करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर कोई बरामदगी कैश नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो आबकारी नीति, अगर उसमें दोष नहीं था या फिर कोई कमियां खामियां नहीं थी तो वो वापस ही क्यों लेनी पड़ी? एक बड़ा सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी पर, मैं समझती हूं कि लोगों के मन में जरूर बना हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, केजरीवाल ठीक उसी ट्रैक पर हैं जिस पर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। बिल्कुल उनसे अलग पद लेके नहीं चल रहा है, वो वही ट्रैक अपना लिए हैं केजरीवाल, और उन्हीं बातों से घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जिन बातों से नरेंद्र मोदी दूसरे को पटखनी देते हैं। अब नरेंद्र मोदी की चिंता यह है कि जो दांव मैं मारता हूं वही दांव वो मुझ पर मारे जा रहे हैं, तो अब लड़े कैसे? तो केजरीवाल इतनी बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि बाकी नेता तो पिछलग्गू हो जाते हैं, जैसे ही कोई स्टेटमेंट आता है उसके पीछे अपने आप को बचाना और भागना हो जाता है बाकी नेताओं का। केजरीवाल इन सब में शार्प है। केजरीवाल की विशेषता यह है कि आप एक झूठ बोलेंगे मैं 10 झूठ खड़े कर दूंगा, आपने एक वादा किया मैं 10 वादे कर दूंगा। बीच में आया था ना कि रेवड़ियों की तरह आप बांट रहे हैं, रेवड़ियां देनी शुरू किसने की थी?
रेवड़ियां देनी शुरू भाजपा ने खुद की थी, एक रुपए में चावल, एक रुपए में गेहूं, ये खुद भाजपा ने देनी शुरू की थी भाई। फ्रीबीज का अगर कहा जाए तो ठीक है, आपने कोरोना काल में देना शुरू किया था, लेकिन अनाज तो आप फ्री में दे रहे थे जी देश की जनता को। और आज की डेट में जब वो अनाज खत्म हो गया है, अब देने की स्थिति में आप नहीं है, तो दो तरफा फंसे हुए हैं। 80 करोड़ जनता को जो अनाज दे रहे थे, वो 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं मिल रहा है, और उनके पास नौकरियां भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर, ये संसद के पटल पर साफ साफ है कि लगभग 7.5 करोड़ नौकरियां नहीं है, लोगों को बेरोजगारी की स्थितियों में झेलना पड़ रहा है, बढ़ गई है। हाँ। ठीक है जी। अब आप कर क्या रहे हैं, बाजार लगा करके रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मेला क्या होता है, कब किसने देखा रोजगार मेला था आज तक, कि 10,000 लोगों को या 25,000 लोगों को या 75,000 लोगों को हम रोजगार बांटे हैं, इसका मेला आप लगा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है, ये जरूरत है, जरूरत का प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, इनके तरीकों में है। तो यहां पर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो ईडी को खुला छोड़ना है या सीबीआई को खुला छोड़ना है, इनकम टैक्स को खुला छोड़ना है कि जाकर के आप अपना काम करिए, तो ये चिन्हित करके क्यों काम करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो एक ही दिशा में जाकर के, ये जैसे नहीं होता है कि घर के पालतू आप डॉग की बात करें तो आप घर के लोगों को तो नॉर्मल छोड़ा हुआ है, बाहरी लोगों पर अटैक कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारा तो ये एकदम सही आदमी है। बीजेपी में जाते ही जो है वो सब क्लीन, एक नाम नहीं है बीजेपी में जाने वालों का, येदुरप्पा बहुत पुराना नाम है, समय प्रसाद मौर्य अपने यूपी के नाम है, तमाम ऐसे लोग हैं कि जैसे ही आखिर मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और गिराई गई, 30-30 विधायक तोड़े गए, उसके पीछे क्या कहानी किसी को छुपी हुई है, अचानक ये कहां से विधायक बड़े बड़े रिजॉर्ट में चले जाते हैं, ये गोवा जाके चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, पैसा खर्च नहीं होता, कोई पूछा किसी ने कि जब ये जाते हैं रिजॉर्ट, जब ये बसों में बैठ के जाते हैं तो वो बस कहां से आती है, कैसे लेके जाते हैं आप इन्हें, गुवाहाटी के होटल में रुका कहीं भी, जहां भी आप रुक रहे हैं जी, अगर जो आपके विश्वास हैं वो रुकवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई पैसा लगा है ना, बिल्कुल धन लगा है ना, महाराष्ट्र के इतने विधायक। और ये सब तब हो रहा था जब असम जो था बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा था बुरी तरह से। इस पर तो कोई निगाह नहीं है, आप एकदम स्पष्ट समझिएगा कि कोई देश में मरता हो तो मरे, मोरबी की घटना होती हो तो होती, आप क्या कर रहे हैं, पटेल की उस पर जो है प्रतिमा पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और अगले दिन आप दुख जता रहे हैं कि मैं असमंजस में था कि विकास का काम करूं कि मैं दुख जताऊं। दुनिया जानती है कि जब किसी के घर में कहीं कोई इस तरह की मृत्यु होती है तो पूरे पूरे इलाके में कोई खास कार्यक्रम नहीं होता है, शादियां तक रोक दी जाती हैं, या बहुत शांति से बहुत लोअर लेवल पे ले जाके शादी केवल निर्वाह तौर पे कर दी जाती है, ऐसा होता है, हमारे समाज का हिस्सा है ये। अगर किसी मोहल्ले में या किसी गांव में कहीं कोई डेथ हो जाती है और उसी दिन मान लीजिए किसी दूसरे घर में शादी है तो शादी में हो हल्ला नहीं होता, बैंड बाजे नहीं बजते, शांत हो जाता है, आप वो सब कुछ नहीं छोड़े, केवल आके आपने घड़ियाल वहां से रो दिए। ये आदत भी शुरू से है ना कि घड़ियाल पकड़ना था इनको बचपन से ही, ये बचपन से घड़ियाल पकड़ते थे, ये तो गुजरात में मैंने बहुत देखा, यहाँ पर वो खबर रहती थी कि घड़ियाल पकड़ते हैं, और जबकि वास्तविकता ये है कि वलसाड वाले इलाके में या चाहे वडोदरा वाले इलाके में जब बाढ़ आती है तो वहाँ की नदियों से कुछ घड़ियाल और मगरमच्छ के बच्चे जो हैं वो घरों की तरफ आ जाते हैं, और उसमें इनकी खूबी नहीं है, वो पूरे उस सोसाइटी की खूबी है कि वो घड़ियाल से खेलते हैं बच्चे, वहाँ खेल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से जो निकल आते हैं उनको ले जाकर वापस छोड़ आते हैं वो बच्चे, वो हिम्मती होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ वो हिम्मती होते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि नहीं आप घड़ियाल को कंधे पर उठा ले जाते थे, आप घर में ले आ देते थे, ये सब भी कहानियां हैं। तो इनके ऑरे में हमें कोई डाउट नहीं है, ये पूरा ऑरा बनाते हैं, और जब ये कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, ये तभी ये बात कहते हैं कि हमको छोड़ देना बाकी कर लेना। एक और छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, बातचीत आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश सिंह जी। हरिकेश जी, प्रधानमंत्री की बात में एक और खास बात उन्होंने कही कि राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं कांग्रेस से टूटकर या फिर अन्य दलों से टूटकर जिन पर भ्रष्टाचार के मामले बने हुए थे, तो क्या यहाँ पर जनता के मन में ये सवाल नहीं आता कि राजनीतिक सुरक्षा तो बीजेपी की तरफ से दी जा रही है? दो तीन बातें इसमें पहले से कह देता हूँ। एक बात कही जाती है कि आइडियल सिचुएशन, आदर्शवादी बातें ये हैं, और एक होता है कि हमने कहा ये कि आइडियल सिचुएशन ये है पर ये करने लायक होता नहीं क्योंकि उसके ऊपर चलने में कठिनाई बहुत होती है। एक पिक्चर आई थी ताल, उसमें अनिल कपूर अपने पीछे लिखे रहते हैं
कि ईमानदारी से बोलिए, सच बोलिए, पैसे के पीछे मत भागिए, कर्म करिए, मेहनत करिए। उसके बाद वो बोलता है कि ये सारी बातें केवल लिखने के लिए है, करने के लिए नहीं है। हमें पैसे के पीछे ही भागना है, हमें कर्म जो है अपने उसी हिसाब से करना है जहाँ पे हमें कुछ मिले, मुनाफा हो। हाँ, मुनाफा हो। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। मोदी जी की बातें सारी की सारी आदर्शवादी उसी तरह की आती हैं। करने के लिए अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला उदाहरण गुजरात के भीतर जो मंत्रालय चेंज किया गया, चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, अभी बीते वर्ष की बात बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर हटाया गया और सारा मंत्रालय 40 मंत्री एक साथ बदल दिए गए, सारा का सारा रद्दो बदल कर दिया गया। इस बात को कि कहीं से भी कोई आरोप ना आने पाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है या गुजरात में कोई हीला हवाली हो रही है। इनका सबसे अच्छा तरीका है, जिस फेस पर उंगली उठने वाली उस फेस को रिप्लेस कर दो, दूसरा फेस ले आ दो। अब तो मंत्री कोई और है, अब कोई चीफ मिनिस्टर और है। अब आप सवाल किससे पूछेंगे? उनसे पूछेंगे ना, तो जाइए आप उनसे पूछिए, हम तो है नहीं भाई। अगर कोरोना काल में सही से हेल्थ पे काम नहीं हुआ तो डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस कर दिया गया, अब सवाल किससे पूछेंगे? जो गुजरात के बनाए गए हेल्थ मिनिस्टर उनसे पूछ लीजिए जाकर के। हर्षवर्धन तो चले गए, रविशंकर प्रसाद गायब हो गए, पूछते रहिए सवाल कानून मंत्री से। काम करवा लिया उसके बाद रिप्लेस कर दिया। नहीं हटते हैं तो कौन? अमित शाह नहीं हटते। नहीं हटते हैं तो कौन? खुद। इनसे कोई सवाल पूछता भी नहीं है, सवाल पूछ भी नहीं सकता। पूछ के देख लीजिए आप, सवाल पूछने ही नहीं देंगे, तरीके ही बदल देंगे, जवाब नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें, एक आदमी नहीं परेशान है इस बात से कि भाई आप कभी तो सामने आके बोलेंगे, संवाद करेंगे आप, मन की बात करेंगे आप, तमाम बातों की एक एक, एक लिस्ट उठा के आप कहीं कहीं पे बात कर लेंगे कि आज उनसे बड़ी अच्छी बात हुई, आज उनसे बड़ी अच्छी, सोलर सिस्टम पे बात करेंगे आप, तमाम स्पेस की बात करेंगे। देश में क्या है ना कि एक्चुअली जिन बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन पर आकर्षण होता है, वही बातें ये लगातार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको करने के लिए वो दम इसलिए मिलता है कि पिछले 20 सालों से लगातार ये उन्हीं बातों से जीत रहे हैं, तो वो क्यों ना करें। तो गुजरात मॉडल में जिस बातों ने उनको सक्सेसफुल बनाया, वही बातें देश के लिए लेकर पूरे देश में जो है लागू हो लेकर आ गए, पूरा मंत्रालय बदल दिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, भ्रष्टाचार वाली बात पर, कि कैसे आप बोल रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं मिलना चाहिए और आप देख क्या रहे हैं, और उसके बाद मोरबी की घटना हो रही है। जरा मुझे बताए कि कौन सा भ्रष्टाचार आपने नहीं दिया? ये भ्रष्टाचार का सबसे ताजा तरीन नमूना है, और कितना भयंकर नमूना है। और सिर्फ वही नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी बानगी हुई थी बारिश में, बिखर गई, कई जगह टूटी, एक्सीडेंट हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 3 जगह से टूटी। नई बनी एक्सप्रेसवे पूरी सड़क बीच में 25-25 मीटर का चंक पूरा बह गया पानी से, किस तरीके से बना था। और इनका स्टेटमेंट अभी सुनिए, ड्रोन भेज के मैं पता कर लेता हूँ वहां पर। क्या मजाक बना रखा है कि ड्रोन से आप पता कर लेते हैं कि वहां की क्वालिटी चेकअप कर लेते हैं कि कैसा बना है, क्या बना है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। कुछ भी आप मजाक करने लग रहे हैं, और देश इस मजाक को झेल रहा है, इसीलिए देश झेल रहा है। इन बातों को अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये दिक्कत आपके लिए है और देश के लिए है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, ईमानदार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देता है कोई देश को, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, कुछ भी आ जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे आप, एकदम जीरो भ्रष्टाचार हो जाएगा देश में, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये चाणक्य बहुत पहले कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त तो कोई समाज होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें व्यक्ति की अपने स्वार्थता की निशानी आ ही जाती है। भाई मैं कह रहा हूँ कि पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा तो भाई भतीजावाद का भ्रष्टाचार होगा जी, भाई भतीजावाद का नहीं होगा तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट का कोई चीज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो भ्रष्टाचार मुक्त तो होगा ही नहीं। ये विशेषता है, और ये आज की बात भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि अवध में, ये मगध में जब चाणक्य हुआ करते थे तब की ये बात है, आज से 2000 साल पुरानी बात है जी। तो समाज का जो हिस्सा है या जो समाज को अच्छा लगता है उसी पर आकर्षण बनाए रखना इनका काम है, और चूंकि सफलता उससे लगातार मिल रही है जी। जी, एक उनकी बातों में ये जब बात उन्होंने कही कि जेल जाने के बाद भी कुछ लोग जो है भ्रष्ट लोगों को महिमा मंडित करते रहते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है, आभास होता है कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ सुकेश चंद्रशेखर जो एक ठग है और 2 साल से जेल में बंद है, अचानक से चिट्ठी आनी कि सत्येंद्र जैन ने मेरे से पैसे लिए, क्या ये सब एक जानबूझ के किया जाता, राजनीतिक साजिश का हिस्सा होता है या फिर? बहुत सारी चीजें, डाइवर्ट करना
दिमाग को कहीं से कहीं भटकाना। सुकेश कितने दिन से लाइमलाइट में है ये बात किसी से छुपी नहीं है, अचानक सतीन जैन के पास क्यों आ जाता है, कहां से घटना आ जाती है? सिर्फ यही बात नहीं होती है, बॉम का एक मुंबई में एंटालिया के पास मिलना और वो भी अंबानी अडानी के उस पर निशाना साधना कि उनको खतरा है, ये कुछ ना कुछ इंगित करता है, कहीं ऐसा डाइवर्ट मारते हैं। और ऐसी एक घटना नहीं हुई है, बीते 8-10 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, अचानक किसी से कोई चीज जुड़ जाती है, उसका कहीं कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होता और उसकी आप मांग भी नहीं कर सकते। कैसे आप मांगेंगे, कैसे आप जानेंगे कि सुकेश से क्या संबंध है सतीन जैन का? आपने एक आरोप लगा दिया, उन आरोपों को साबित भी नहीं करना है। सेम करते थे, याद करिए, केजरीवाल इसी लाइन लेंथ पे थे, आरोप लगा दिया, आरोप को साबित नहीं करना है। संबित पात्रा बोलते वक्त ये भूल जाते हैं, जब बोलते हैं कि सोनिया गांधी के लंदन स्ट्रीट में दसियों घर हैं, मतलब साबित आपको करना नहीं है, आपने एक आरोप लगा दिया। बार टेंडर वाली बात मुझे इसलिए खरती है बार बार, जब आप कहते हैं सोनिया गांधी ऐसी थी वैसी थी, आप ये भूल जाते हैं कि लंदन में या इटली में या अमेरिका में जो बच्चे काम करते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो अपने कमाने के लिए तमाम होटल्स में, तमाम रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और उसमें ये सारे काम होते हैं, वो आपको खाना परोसने से लेकर के ड्रिंक पिलाने से लेकर के सब कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री सोसाइटी कल्चर है, कल्चर वैसा है। अब उसको आप एक स्पेसिफिक ऐसे नॉनसेंस उससे जोड़ दें तो कोई क्या करेगा, और आप बोल देते हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात चली गई, लोगों के कान में पड़ गई, अब उसके बाद आप उसको उड़ाते रहिए। सिमिलरली यही चीज यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी जी आए और एक स्टेटमेंट दे दिए कि ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी हैं और इन पर आरोप लग रहा है, घेर लिया आप। पश्चिम बंगाल में वही हुआ इलेक्शन के समय में, अखिलेश के साथ वही हुआ इलेक्शन में, यही गुजरात में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डर है, सतीन जैन और मनीष सिसोदिया वहाँ पे खेल रहे हैं, काफी स्ट्रेटेजिकली ओपन कर रहे हैं वहाँ चीजों, हाँ, करने की कोशिश, उससे लड़ाई लड़ नहीं पा रहे ना। और ये हम सब जानते हैं कि वहाँ 22 साल से सरकार भाजपा की है, पिछली बार खतरा मंडरा रहा था कि जब करीब करीब 90-92 सीटों पर आगे बढ़ रही थी कांग्रेस और किसी सिस्टम के तहत ये हार गए, जिसमें इनके पास 89 सीटों पर ये बच के रह गए, 79 सीटों पर बल्कि। तो इस समय भी जैसे 111 सीटें करीबन बीजेपी के पास है, 77 सीटें कांग्रेस के पास है गुजरात में, 182 सीटों की विधानसभा है जी। कहने का मतलब ये है कि इतनी सीटों पे अगर स्टेटमेंट और लगातार रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि आम आदमी पार्टी खींच सकती है, यही चूंकि यहाँ पर खबर आ रही थी पंजाब में और वो हो गया, तो डर ये बना हुआ है कि गुजरात में भी ये हो सकता है, भले ही वो कांग्रेस को रिप्लेस करे, भले ही वो भाजपा की सीटें उठाए, भले ही वो भाजपा को उतना डेंट ना पहुंचाए जितना कांग्रेस को डेंट पहुंचा देती है वो, लेकिन फिर भी ये बात तो है कि सरकार अगर गुजरात में बन गई तो 2024 कैसे लड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जो आपकी गेन है वो कहीं निकल जाती है। तो क्या ये माने कि प्रधानमंत्री का ये जो स्टेटमेंट है करप्शन को लेकर, गुजरात में करप्शन भी एक अहम मुद्दा जो रहेगा चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा, कि उसका रीजन ये है ना कि मोरबी से ध्यान मटाने का, आप ये सोचें ना कि मोरबी पे एक मोरबी भी करप्शन का जी हाँ जी। बहुत स्पष्ट उदाहरण है। अगर किसी पुल को, उसमें तीन बातें बहुत ध्यान देने की है, पहला तो ये कि जिसको वो टेंडर दिया गया जी वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा था और वो कंपनी नहीं थी कि जो पुल बनाती हो जी। या इस तरह के झूलों का निर्माण करती हो, इस तरह की चीजों का काबिल नहीं, इस ब्रिज को निर्माण करती हो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो वेल्डिंग मशीन करने वाली या वेल्डिंग करने वाली एक कंपनी थी छोटी सी जिसको ये टेंडर दिया गया। अब पहले तो आपने वो दे दिया। सेम चीज अडानी के बारे में आती है ना जी। अडानी का चेहरा या नाम जितना बड़ा बना, मैं इसको बोलने में बिल्कुल गुरेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि 2008, 2009, 2010, 2011 में अडानी का क्या वर्थ थी और आज की डेट में। बिल्कुल, इस पे बातचीत करेंगे अडानी पर, जो आपने अभी ये मसला उठाया कि आखिर कैसे जो वेल्थ है वो मल्टीपल टाइम्स जो है उसमें इंक्रीज हुआ और बाकी लोगों का नहीं हो पाया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं चर्चा द ट्रूथ में, और ब्रेक के बाद फौरन मिलेंगे। मेरे बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज हम बातचीत कर रहे हैं करप्शन पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि डिफेंसिव मोड में जांच एजेंसी को काम नहीं करना चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले हरिकेश जी, आपने अडानी का नाम लिया और आपने ये भी कहा कि कैसे मल्टीपल टाइम्स जो है उनकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब बात हम करप्शन की करते हैं तो क्या हम इस तरह के बड़े उद्योगपति को भी सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या करप्शन रही वो वजह जिसकी वजह से उनकी जो संपत्ति है उसमें इतने गुना इजाफा हो गया? करप्शन की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नोरेंस।
करप्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इग्नोरेंस, किसी चीज को इग्नोर कर देना कि नहीं ये नहीं करना, इनके लिए करना है, ये चिन्हित तरीके से काम करने का हिस्सा है। इसको ऐसे समझना है कि अडानी 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक क्या थे, और फिर अचानक अडानी 18, 19, 20, 21, 22 में क्या हो जाते हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी डूब रही है, दुनिया भर का पैसा डूब रहा है, अडानी का पैसा बढ़ रहा है। वो कहां से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये खुद अंबानी को नहीं समझ में आ रहा है। एक समय जब अंबानी बढ़ रहे थे तो वो बात टाटा को नहीं समझ में आ रही थी। पुरानी कहानी है, बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं, 1989 के इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पर 50,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक या 50,000 करोड़ की संपत्ति का हिस्सेदारी हुई किसकी, अंबानी की, धीरू भाई अंबानी की। इस बात पे टाटा का स्टेटमेंट था कि हम सत्ता के गलियारों में नहीं घूमते। वो इंडिकेट कर रहा था कि ये सत्ता के गलियारों में घूमते हैं और जाके इकोनॉमी में कुछ ऐसा, जब बजट आता है तो उसमें कुछ ऐसा रद्दो बदल करवाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बदलते हैं जो इनको डायरेक्ट फायदा, पॉलिसी पे, पॉलिसी मेकिंग में इनका रोल है। इसीलिए वो सत्ता के गलियारों की बात की है, मान लिया। लेकिन एक टाइम जोन होता है, टाइम फ्रेम होता है, किसी देश में किसी चीज को बढ़ने का एक तो कायदे का टाइम होता है। हम आप जिन जगहों पे काम करते हैं, एक दो साल में कोई आदमी मेहनत करके कुछ कर पा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी 10 साल के एक्सपीरियंस वाले के सामने अगर 2 साल के आदमी को सीनियर बना दिया जाए अचानक, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि ये हुआ क्या। कि 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है, और मेरे ऊपर ये क्यों बिठाया जा रहा है। तो पता चलता है कि भाई इसका तो रिलेटिव है वो। तो अब इन सब चीजों का उत्तर यही है सीधा सा, कि जब अडानी के पास कंपनीज को चलाने का वो क्षमता ना हो। हम सब जानते हैं जीएमआर किस तरह से एयरपोर्ट संभालती है, अचानक अडानी को दे दिया जाता है सारा एयरपोर्ट, तमाम रेलवे स्टेशन दिए जा रहे हैं, तमाम आपके जो शिपयार्ड्स हैं वो दिए जा रहे हैं, टोल लेने का स्टेट, चार्टर स्टेट में टोल लेने की जो अधिकारिता है वो अडानी को दी जा रही है। अडानी तो न्यूज चैनल भी लाने वाले, कुछ भी वो ला ही रहे हैं, वो ला ही रहे, न्यूज चैनल ला रहे हैं, सब लोग ही निकाल उधर है हम लोगों की कि मीडिया वाले उधर किस तरह से जाएंगे। ठीक है, वो एक अलग अच्छी बात हो सकती है हम लोगों के फेवर में, लेकिन समझने की बात है कि अडानी अभी एनडीटीवी को जिन्होंने परचेस किया, हड़कंप क्यों मचा? हड़कंप इसलिए मचा कि एक ऐसा चैनल जो बाकी चैनल से अलग हिस्से पे हट करके उन चीजों को सच दिखा रहा था, विरोध करना और सच दिखाना ये मूलभूत अंतर है। हमारे यहां इतनी बारीक लाइन है कि जब हम सच दिखाते हैं तो ये होता है कि हम विरोध कर रहे हैं। इसको गलत ना समझा जाए, बहुत सीधी सी बात है। अगर हम सच बोल रहे हैं तो तथ्यात्मक और तथ्यों की जानकारी ले लीजिए, अगर नहीं है तो उसको पता करिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ बोले हैं तो उन तथ्यों पर जाके पता करिए ना कि वो सच है कि गलत है, तब आप आइएगा बोलिएगा कि आप विरोध कर रहे हैं जबरदस्ती का। ये जबरदस्ती का विरोध नहीं हो रहा है, ये सच बताया जा रहा है। और सच दिखाया तो पत्रकारिता, एजुकेशन में इंडेक्स आ रहा है कि 1,00,000 शिक्षक जॉब छोड़ दिए हैं और 20,000 स्कूल बंद हो गए हैं जी, और दूसरी तरफ इंडेक्स आ रहा है कि शिक्षा में हमारा स्तर बढ़ रहा है, स्तर सुधार हो गया है जी, पेट में खाना नहीं है, हमारा बच्चा स्वस्थ है। ये कौन सी लाइन है, कंफ्यूजिंग है ना। यही चीज अडानी के साथ भी हो रही है और यही चीज भ्रष्टाचार में भी है। बड़ी घटना मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही 5G का लॉन्चिंग हो रही थी, उसकी बिड लगने वाली थी, उसके पहले एक कोट किया गया था कि 4,500 करोड़ रुपए उसकी सिक्योरिटी मनी जमा होगी। पहली लाइन बता दे रहा हूँ इस पे ये हुआ क्या था, 4,500 करोड़ रुपए जमा होंगे सिक्योरिटी मनी के तौर पर। भारतीय एयरटेल ने 4,400 करोड़ जमा किए थे, अंबानी ने 2,400 करोड़ जमा किए थे, 2,400 करोड़, और अडानी जमा किए थे 100 करोड़। 4,500 करोड़ के अगेंस्ट 100 करोड़, अंबानी इस पे नाराज भी हुए थे। और यही रीजन था कि अंततः गत्वा 5G इनको दे दिया गया अंबानी को, कि अडानी को दिया जाएगा तो कहीं आसान होगा बवाल, और वो जाता। और आप सोचिए कि सरिया और सीमेंट, इन दोनों पे अधिकारिता किसकी हो गई है, अडानी की। यानी देश में आप अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो अडानी का वो काम आएगा। फॉर्च्यून तेल तो बहुत पहले से बेच रहे हैं अडानी, ये बात भी मैं जानता हूँ, फॉर्च्यून तेल पर उनका नाम था। तेल बेचने वाली कंपनी का इतना बड़ा हो जाना, कहीं तो कुछ डाउट करता है ना जी, कोई तो शक करता है कि कुछ शक तो होता है। और ये बात हमेशा मानी जाती है कि जब आप ये मुंह से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए जी, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, तो थोड़ा फिर इन सब बातों से ये प्रतीत होता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रमुख मुद्दे भ्रष्टाचार तो रहेंगे ही, इसके अलावा क्या महंगाई या फिर जाति पात और अरविंद केजरीवाल की संभावना, जैसा आपने कहा कि काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने प्रभावशाली होंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली से गुजरात बिल्कुल अलग है। देखिए, पटेल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, पटेल की प्रतिमा पर उतना बड़ा प्रोग्राम करने का एक कारण है,
गुजरात में पटेलों का बहुत बड़ा स्टेक है, वहाँ पाटीदार पटेल जो आते हैं बहुत बड़े स्टेक पर हैं। पर हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं? हाँ, लेकिन पटेल का मैं बता रहा हूँ आपको, वो हार्दिक पटेल तो हैं ही, नहीं नहीं इनकी बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जाकर के जो उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यक्रम किए थे, पटेलों को लुभाने का ही काम था वो, क्योंकि वहां पर लेगुआ पटेल और कड़वा पटेल दो हिस्से में बंटते हैं और इन दोनों में आपस में चलती भी है। तो जिन पटेलों के ऊपर आकर्षण है वो पाटीदार पटेल हैं और उनके ऊपर इनका आकर्षण है कि वो वहां पर पैर जमाने में सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं, इनको दोबारा वापस इनको जितवा सकते हैं, तो इसलिए वो जरूरी है। जातिगत तो लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये तो तय है, लेकिन विकास के मुद्दे की जहां तक बात है, जरा आप 20 साल का इतिहास उठाइए ना नरेंद्र मोदी जी का, कि गुजरात में ऐसा क्या बना दिया इन्होंने जिसको आप कहेंगे, बिजली पर जाइए, शिक्षा पे जाइए, स्वास्थ्य पे जाइए, रोजगार पे जाइए, एक एक पॉइंट पर जाइए कि 20 सालों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसा क्या कर दिया जिससे कहा जाए कि हाँ ये विकास पुरुष है। बीते 9 सालों में पूरे देश में इन्होंने कौन सी ऐसी बिजली की बहुत बड़ी परियोजना ले आ दी? सारी परियोजनाएं पुरानी हैं, एक भी परियोजना आज की नहीं है। कौन सा ऐसे एक्सप्रेस वे ये ला दिए? बने जरूर, लेकिन वो सारी की सारी परियोजनाएं पुरानी थी। इन्होंने जो काम किए वो सबसे बड़े गुफाफ साबित हुए, नोटबंदी गुफाफ साबित हुआ, जीएसटी गुफाफ साबित हुआ, एयर स्ट्राइक, देश पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पुलवामा अटैक का डाउट तो आज भी है। कहने का मतलब आप तो जांच करके क्लियर तो करिए भाई, क्वेश्चन हवा में नहीं उठते जी। कहीं से निकल के आता है विपिन रावत जी के उसमें जो हादसा हुआ वो क्या हुआ? कहीं कोई उत्तर ही नहीं है। उसके बाद 1.5 साल तक खाली क्यों बैठे रहे आप? क्यों नहीं सीडीएस बनाए? बिना सीडीएस की जरूरत चल रही थी, अचानक सीडीएस की जरूरत थी, विपिन रावत जी को आपने मना दिया, वो खींचते खींचते आप कहां लेके चले गए? काबिलियत पे भरोसा करना अच्छी बात होती है, ये मना नहीं करा जा रहा है कि आप काबिलियत पे भरोसा मत करिए, लेकिन उस भरोसे में आप किसी चीज को दांव पे लगा दें तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो समझना होगा जी। और लगातार आप एक्सपोज हो रहे हैं इन बातों से लेकर के कि आप कहते कुछ हैं, स्टेटमेंट कुछ देते हैं, और इसीलिए संभावनाएं आम आदमी पार्टी की बढ़ गई और केजरीवाल की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनके भी लड़ने के तरीके वही हैं, इसलिए वो लड़ भी जाएंगे, उनके भी लड़ने के तरीके वही हैं। अब होता क्या है ना कि एक जादूगर आया, उसने जादू दिखाया, आपको अच्छा लगा, अब दूसरा जादूगर आया, उसने दूसरी चीज दिखाई, अब आपको वो अच्छा लगने लगा। ये जादूगर कह रहा है कि आपके देवी देवता की जो फोटो है वो करेंसी पर छापी है, बहुत बड़ा खेल है। गुजरात में इसका कितना असर होगा? इस खेल को समझिएगा कि ये निगल नहीं पा रहे हैं। धर्म के ऊपर आप लड़ते थे, उन्होंने नोट पे ही देवी देवता ला दिया, अब आप हाँ कहे तो फंसे और ना कहे तो फंसे, अगर नहीं कहे तो आप देखिए आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, और हाँ कहे तो हाँ कैसे कहे कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अगर फोटो अगर उस पर छपेगी फोटो रुपए पे, तो रुपए की जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी तो धर्म विरुद्ध होने लगेगा कि किन जगहों पे वो पैसा जा रहा है, कहीं जुए पे खेला जा रहा है, कहीं शराब पे जा रहा है, कहीं किसी उस पे जा रहा है। हाँ, मानवीय और अमानवीय चीजों पर यूज होता है ना पैसा, तो पैसा तो ऐसा है कि वो हर जगह है, तो अब वहां फंसे हुए हैं आप, तो केजरीवाल तो खिलाड़ी है ही, वो तो निश्चित तौर पे आपको घेर लेंगे गुजरात में, और ये तय जानिए। तो बीजेपी का इस पे मौन हो जाना क्या बिल्कुल सही तरीका रहा? इसीलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो ये बातें घुमा फिरा के ला रहे हैं कि इन ये भ्रष्टाचारी हैं और ये यहाँ आके भ्रष्टाचार करेंगे, पर अपनी बात पे आप जवाब नहीं देंगे कि मोरबी में क्या हुआ, कितने सस्पेंड हुए, कितने मंत्री, वहां पर टिकट बांटने वाले को आप तुरंत पकड़ लेते हैं जो टिकट दे रहा था वहाँ पर। जी जी, टिकट देने वाले की नौकरी है, वो तो टिकट देना उसका काम है, पर कंपनी मालिक का कहीं नाम नहीं है, कहीं किसी का नाम नहीं है, किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी डीएम एसएसपी इन लोगों को सस्पेंशन के उस पर नहीं ले जाया गया, किसी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, नैतिक तौर पे 500 लोग वहां गिर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस पुल पे 100 लोग जाने के लिए तय हुआ था, वो 400 लोग गए कैसे उस पर? ये तो रोका जाना था। बिल्कुल, क्या ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और वो सब नहीं है? वहां भी लोग जाते हैं, पर वहां रोक दिया जाता है जैसी भीड़ बढ़ती है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। केवल मुंह से आप केवल मुझे भी अब आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया हरिकेश जी, लेकिन चर्चा आपके साथ बहुत ही अच्छी रही और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट को हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिकेश जी, फिर से मैं करना चाहूंगी। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं उसमें खुद केंद्र सरकार और बीजेपी कितनी दूध की धूली दिखाई देती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।